मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित दिल्ली रोड मेरठ। मेरठ के कोतवाली थाना इलाके में बीती रात दो पक्षों के बीच जमकर फायरिंग में मारपीट हुई। इस दौरान अवैध तमंचों के साथ ही लाठी डंडों व धारदार हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया गया। ताबड़तोड़ गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके में सनसनी व दहशत फैल गई। दिन में भी इसी विवाद में हथियार निकाल लिए गए थे, जो रात होते होते ताबड़तोड़ फायरिंग तक हालात जा पहुंचे। वर्चस्व को लेकर यहां अक्सर इस तरह की वारदात होती रही है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। जिन दो पक्षों के बीच मारपीट व फायरिंग की यह घटना हुई, उसके केंद्र में हाजी मोइनुद्दीन व महराज हैं। बनीसराय में बीती रात यह वारदात हुई। मौके पर मौजूद मोइनुद्दीन के परिजन ने यह जानकारी दी। मोइनुद्दीन वहाँ कहा सुनी हुई गाली गलौज हुई, मार पिटाई हो गई। उसने महराज ने पिस्टल निकाल ली, दुकानदारों के इकट्ठे होने पे शोर मचने पे भाग गया। हमने यही तहरीर शंभुदास गेट चौकी में दे दी। ओरिजिनल शंभुदास गेट में चौकी में तहरीर देने के बाद पुलिस उसके यहाँ पहुंचती है। अब महराज के यहाँ बनीसराय में एजाज का लड़का है, चौधरी एजाज। उसके बाद क्या होता है, पुलिस वहां पहुंचती है, उन्हें पता चलता है हमने तहरीर दे दी। महराज भी थाने पहुंच जाता है, उसके चाचा वगैरह एडवोकेट हैं, वो सारे पहुंच जाते हैं कि जी हमारी भी रिपोर्ट लिखो। पुलिस कहती है तुम रहते हो बनीसराय, जाके लड़ाई कर रहे हो शंभुदास गेट पे, तो रिपोर्ट तो उसकी लिखी जाएगी ना जिसको तुमने मारने गए। नुगे जी नहीं, ये तो निकला हुआ जा रहा था। पुलिस ने कहा हमने जानकारी करी, चार कदम पे पुलिस चौकी है। लोगों ने बताया कि महराज ने उनसे बदतमीजी करी, महराज ने ही पिस्टल निकाली। तो खैर वो तीन घंटे से घपला चलता रहा, पुलिस ने उनकी कोई नहीं सुनी। वो लेके नुगे जी हमारी तहरीर लो वकील बुला लिए, तहरीर दे दी। सीओ साहब का फोन आया भैया के पास कि यू आर रेपुटेटेड पर्सन, आप यहाँ आइए, इसे मैटर को सोल्व करो, रिश्तेदार लगता है वो हमारा। अपने अपने यहाँ बुला के कि भाई इसे मामले को निपटाओ। भाईजान ने कहा जैसे आप कहेंगे ऐसे होगा ये काम। हमने निपटा दिया, हम लोग यहाँ थे भी नहीं, मैं खत्ता रोड पे मीटिंग में था, भैया अंदर बैठे हुए थे, तीन चार लोग रिश्तेदार गांव से आए हुए तो यहाँ बैठे हैं। 13-14 जनों ने आके यहाँ तोड़फोड़ कर दी, जिसका सब सीसीटीवी है। लाइसेंसी हथियार से आबिद वकील पे लियास पे बंदूक थी, धड़ाधड़ गोलियां चलाई, जिसका मैं आपको कैमरे के माध्यम से मीडिया के माध्यम से ये फुटेज दिखाना चाहता हूँ। 85 में मेरे फादर का मर्डर हुआ है, जिसका आज तक कोई आदमी नहीं पकड़ा गया। हम दो भाई हैं, अगर हमारे साथ कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। हम आगा करके आए थे, फोर्स को बता के आए थे, उसके बाद हमारे यहाँ हमला हुआ। लाइसेंसी हथियारों से गोलियां चला रहे हैं वहां खड़े होकर। हमने बताया सीओ साहब के ऊपर ईंटें चढ़ी हुई हैं, ऊपर वो पथराव हथियार लेके चढ़े हुए हैं। पुलिस ऊपर नहीं गई, होकर चली गई कि यहाँ कोई नहीं है। और उसके बाद ये देखिए सीसीटीवी के माध्यम से लाइसेंसी हथियार बंदूकें कैसे ले। मौके पर मौजूद पुलिस क्षेत्र अधिकारी अरविंद चौरसिया ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। लाइट कम कर ले और इस मौके बात पर जहाँ पर पुलिस मौके पर आई है और सारी चीज़ों को घटनास्थल को देखा और उसके हिसाब से जो पीड़ित पक्ष है उसको तहरीर देने के लिए बोला गया। तहरीर के हिसाब से इसमें हमने विधिक कार्रवाई कराई। विवाद किस बात को लेकर इनका काफ़ी समय से चला आ रहा है? विवाद इसमें जो इसके पहले हुआ था एक इस्लामाबाद चौकी पर, जो पता चला कि शाम को 5 बजे करीब एक महराज नाम का लड़का इन्हीं के खानदान से जुड़ा हुआ है वो वहाँ पर गया था और डेयरी के सामने हाजी मोइनुद्दीन का क्लेम है कि वो घूर रहा था, गाली दे रहा था, इस पर हाजी मोइनुद्दीन ने उस पर छापड़ उठाया था और उसके आधार पर लिसाड़ी गेट में NCR दर्ज किया गया था, उसको मेडिकल करा के जिस तरह तहरीर दिया था उन तहरीर के आधार पर NCR बन गई थी और उसको दर्ज कराया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये इन लोगों को आपस में बैठा के सॉर्ट आउट भी कराया गया कि इस तरह की घटना आगे ना बढ़े और यहाँ पर मौके पर फोर्स भी रखी गई थी जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। लेकिन इसी बीच ये घटना घट गई जिस वक्त पुलिस तुरंत मौके पहुंची तो कोई अप्रिय घटना नहीं होने पाई, लेकिन इस तरह की जो घटना है उसका संज्ञान लेकर पुलिस कार्रवाई कर। तो क्या पथराव की भी सूचना थी सर? पथराव ऐसा दिखा नहीं है, कुर्सियाँ टूटी हैं, लाठी डंडे लेके आते हुए CCTV फुटेज में दिख रहे हैं, तो उसके आधार पर इनको चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.TV। नमस्कार।